हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आज सततता तथा अवकलनीयता और अपना आज का टॉपिक है सतत फलन। तो सतत फलन किसे कहते हैं? माना कोई फलन कोई फलन ले रहे हैं अपन एफ एक्स। माना कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत फलन कहलाता है यदि RHL बराबर में एफ ए यानी दाई सीमा बाई सीमा और एफ ए तीनों के तीनों मान बराबर आ जाएं तो उस फलन को क्या बोलेंगे? सतत फलन। बाई सीमा कैसे निकालेंगे? लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच से निकाली जाती है। उसके बाद में जो दाई सीमा है वो कैसे निकल जाती है? लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच से निकालते हैं और उसके बाद में एफ ऑफ ए यानी एक्स का मान उस फलन पे लिखेंगे जहाँ पर एक्स का मान ए के बराबर में दे रखा है। वो मान तीनों के तीनों मान अगर बराबर आ जाएं यानी LHL RHL और FA तीनों के तीनों बराबर आ जाएं तो उस फलन को अपन क्या बोलते हैं? सतत फलन। देखते हैं एक एग्जांपल से कि फलन सतत कैसे होता है। अब अपने को ये एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई फलन दे रखा है FX जिसमें एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है, एक्स दे रखा है और एक्स का तीन बटे चार दे रखा है। इधर अंतराल दे रखा है कि इधर एक्स का मान वन से क्या है लेस देन इधर वन से इक्वल है और वन के इक्वल है और वन का जो वैल्यू है वो एक्स से लेस देन और एक्स की वैल्यू टू से लेस देन है। इधर एक्स जो है टू से ग्रेटर देन एंड इक्वल है और एक्स बराबर दो पर अपने को फलन की क्या बताना है कि चेक करके बताना है कि फलन सतत है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये ध्यान रखना कि यदि अपने को LHL निकालना हो और अंतराल दे रखा हो तो उस टाइम एक्स का मान ए से क्या होगा? लेस देन होगा। तो जिस अंतराल में एक्स का मान ए से छोटा दे रखा है उस फलन के लिए अपन निकालेंगे बाई सीमा और जिस अंतराल में एक्स का मान ए से बड़ा दे रखा है, एक्स का मान ए से क्या दे रखा हो? बड़ा, उसमें निकालेंगे अपन दाई सीमा। और जो एफ एक्स बराबर ए दे रखा है, एक्स बराबर ए पर अपन क्या निकालेंगे? एफ ए का मान। तो इन तीनों का अपने को पता होना चाहिए कि बाई सीमा कब निकाली जाती है, दाई सीमा कब निकाली जाती है और एफ ए कब निकालेंगे। तो एक्स बराबर ए दे रखा है तो एफ ए निकालेंगे। एक्स बड़ा है ए से, एक्स का मान ए से क्या होना चाहिए? बड़ा, उस टाइम निकालेंगे अपन आर एच एल और एक्स का मान ए से अगर छोटा है तो उस टाइम निकालेंगे अपन एल एच एल यानी बाई सीमा। तो तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एल एच एल आर एच एल और एफ ए। अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाएंगे तो फलन क्या हो जाएगा? सतत। करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो पहले निकालेंगे इसमें एल एच एल। एल एच एल का मतलब होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो। लिमिट एच टेंड टू जीरो का मतलब होता है एफ ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो ए की जगह क्या लिखना है अपने को? एक्स बराबर दो के लिए चेक कर रहे हैं, दो के लिए चेक करना है। तो एक्स ए की जगह कितना हो जाएगा? दो, दो माइनस में क्या आएगा? एच। एल एच एल है तो इसका मतलब एक्स का जो मान है वो दो से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए एल एच एल के लिए। तो यहाँ पर देखो कौन से में एक्स का मान दो से छोटा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? टू से छोटी है। तो एक्स का मान दो से छोटा है, उस फलन में एक्स की जगह क्या पुट करना है अपने को? दो माइनस एस। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख लेंगे? दो माइनस एस। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एक्स की जगह क्या लिखना है? दो माइनस एच। एच की जगह जीरो लिखते क्या हो जाएगा? दो माइनस जीरो, तो ये कितना आ जाएगा? दो। तो एल एच एल का मान कितना आ गया अपने पास में? टू आ गया। इससे क्या निकालना है अपने को? आर एच एल। आर एच एल का मतलब होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस में एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक्स का जो मान है वो टू से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। तो एक्स का मान टू से ग्रेटर देन कौन से में है देखते हैं अपन। तो यहाँ पर एक्स का जो मान है वो टू से क्या है? ग्रेटर देन है। तो एक्स का मान टू से ग्रेटर देन होने के लिए फलन क्या दे रखा है? एक्स की घात तीन बट्टे में चार। तो एक्स की जगह क्या पुट करना है अपने को? एक्स की जगह पुट करना है यहाँ पर ए, ए लिखते हैं अपन एफ ए। ए की वैल्यू दे रखी है टू प्लस में एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे? टू प्लस एच। तो टू प्लस एच पूरे की घात कितनी लगानी है? तीन बट्टे में कितना आएगा? चार। अब एच की जगह क्या लिख लेंगे? जीरो। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो दो का दो प्लस एच की जगह क्या लिख लेंगे? जीरो। बट्टे में कितना है? चार और पूरे घात कितनी है? तीन। तो दो की घात तीन कितनी हो जाएगी? आठ। आठ बट्टे चार कितना आ जाएगा? ये दो। तो आर एच एल भी कितना निकल गया अपना? दो। और एल एच एल भी कितना निकला था? दो। अब एक मान और निकालना है अपने को एफ ऑफ ए यानी एफ ए निकालना है यानी एक्स की जगह क्या लिखना है? दो। तो देखते हैं कि एक्स के बराबर दो कौन से अंतराल में दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना है? दो है। इसमें एक्स के बराबर में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स बराबर दो है तो इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है? इस फलन में एक्स की जगह दो।
तो 2 की घात 3/4, 2 की घात 3 का मतलब 8/4, तो कितना आ गया 2। एफ ए का मान भी 2, एल एच एल का मान भी 2 निकला, आर एच एल का मान भी कितना निकला 2, तीनों के तीनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा सतत, और कौन से बिंदु पे दे रखा है एक्स बराबर 2 के लिए फलन हो जाएगा सतत। तो इस प्रकार से अपन किसी भी फलन की सत्यता की जांच कर सकते हैं, यानी तीनों बराबर होना चाहिए, एल एच एल बराबर होना चाहिए, आर एच एल और एफ ए तीनों के तीनों बराबर हैं तो फलन क्या कहलाएगा, वो फलन कहलाएगा सतत फलन। तो एक तो परिभाषा अपन ये देखिए सतत फलन की, एल एच एल बराबर में आर एच एल बराबर में एफ ए, यानी तीनों के तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो फलन क्या होता है सतत। दूसरा अपन ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, किसी भी फलन का ग्राफ अगर जानते हैं कि उस फलन का ग्राफ, यानी किसी भी फलन का अगर अपन आरेख बनाएं और आरेख कहीं से भी टूटे नहीं, यानी लगातार बनता रहे, कहीं से भी नहीं टूटे, तो उस फलन को अपन क्या बोलेंगे सतत फलन। जैसे अपन देखते हैं सबसे पहले कि जो फलन होता है अचर फलन, अचर फलन, अचर फलन का मतलब y बराबर में क्या आएगा c, यानी एफ एक्स बराबर में क्या हो c। तो इसका ग्राफ इस टाइप से होता है, ये अचर फलन का ग्राफ है, यानी यहाँ पर y बराबर में कितना है c, यानी y का कुछ भी मान हो सकता है। तो ये जो लाइन है ये लगातार बनती रहेगी, इसी प्रकार से कहीं से भी नहीं टूटेगी, तो इसका मतलब ये फलन क्या हो जाएगा सतत फलन। यदि अपन किसी फलन का ग्राफ बना रहे हैं वो कहीं से भी नहीं टूटे तो उस फलन को भी क्या बोलते हैं अपन सतत फलन बोलते हैं। दूसरा अपन देखते हैं एग्जाम्पल की तत्समक फलन, तत्समक फलन का मतलब होता है कि एफ एक्स बराबर में क्या होता है एक्स, यानी वाई बराबर में क्या होता है एक्स। वाई बराबर में एक्स होने का मतलब जितना मान एक्स का होगा उतना ही मान किसका होगा वाई का, यानी जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से गुजरेगा और एक सरल रेखा बनेगी। तो इस टाइप से किसका ग्राफ होता है तत्समक फलन का, तो ये भी लगातार ऐसे ही बनता रहेगा, कहीं से नहीं टूटेगा, तो इसको भी अपन कौन सा फलन बोलेंगे सतत फलन, कहीं से नहीं टूट रहा। उसके बाद में अगर तीसरे ग्राफ की अपन बात करें कि जो फलन होते हैं बहुपद फलन, बहुपद फलन, तो बहुपद फलनों का जो ग्राफ होता है वो होता है प्रवल्यकार, इस प्रकार से प्रवल्यकार बहुपद फलनों का ग्राफ होता है, तो ये भी कहीं से टूटता नहीं है, लगातार ऐसे ही बनता है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा फलन हो जाएगा सतत फलन। ऐसे ही अगर अपन बात करें चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन का मतलब होता है यदि किसी पद की घात क्या दे रखी है चर के रूप में, जैसे एफ एक्स बराबर में अपने को क्या दे रखा है एक ही घात एक्स, तो घात क्या होनी चाहिए चर होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलनों का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, तो ये ग्राफ भी कहीं पर टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये भी कौन सा फलन हो जाएगा सतत फलन। ऐसे अगर अपन त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाए, यानी वाई बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है, ये वन होता है और इधर क्या होता है माइनस वन, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बना सकते हैं अपन, तो ये ग्राफ ही कहीं से टूटेगा नहीं, लगातार इसी टाइप से बनता रहेगा दोनों साइड में, तो सतत फलन हो गया। ये भी किस प्रकार का फलन हो गया सतत फलन। ऐसे अगर कोस एक्स का ग्राफ बनाएं, किसका बनाएं अपन कोस एक्स का, तो कोस एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है, ये ग्राफ भी कहीं पर भी टूटेगा नहीं, लगातार बनता रहेगा, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे सतत फलन बोलेंगे। उसके बाद में अगर अपन मापांक फलन का ग्राफ बनाएं, मापांक फलन का मतलब होता है कि एफ एक्स बराबर में कितना होता है मोड एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का जो मान है प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, प्लस एक्स होगा तो इसका मतलब एक्स क्या होगा जीरो से ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितनी होगी माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब वाई के दो मान आ गए, एक प्लस का आ गया और एक क्या आ गया माइनस का, तो इसका इस प्रकार से बना सकते हैं अपन, प्लस के लिए ये हो जाएगा एक्स और माइनस एक्स है तो ये होता है मापांक फलन का ग्राफ, तो ये भी कहीं से टूटता नहीं है, लगातार इसी टाइप से बनता रहता है। तो जिन फलनों का ग्राफ अगर बना है अपन आ रहे खींचें किसी फलन का, अगर वो कहीं से टूटा हुआ नहीं हो लगातार बना रहे, तो उसको अपन बोलते हैं सतत फलन है वो। तो इस टाइप से अपन सत्यता की जांच कर सकते हैं कि कौन सा फलन सतत है और कौन सा फलन असतत है, यानी लगातार ग्राफ बनता रहेगा तो सतत हो जाएगा, कहीं से टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा असतत। जैसे अपन बात करें महत्तम पूर्णांक फलन की, महत्तम पूर्णांक फलन, तो महत्तम पूर्णांक फलन जो होते हैं उनका ग्राफ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, तो इन फलनों का ग्राफ क्या हो गया लगातार एक लाइन के रूप में नहीं है, बीच में टूटा हुआ पड़ा है ग्राफ, तो इसका मतलब ये फलन कौन सा हो जाएगा असतत फलन। तो महत्तम पूर्णांक जो फलन होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन, उनका मान क्या होता है वो असतत फलन होते हैं। और महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है, यदि इसमें कोई वैल्यू लिखें जैसे 2.1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, 2.9 लिखेंगे तो भी ये कितना आएगा 2,
3.7 लिखेंगे तब ये कितना आएगा 3। तो इस टाइप से इसका मतलब क्या होता है, ये संख्या रेखा जैसे 0, 1, 2, 3, तो 2 और 3 के बीच का कोई भी मान हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमें साइन 2। 3 और 4 के बीच में कितना ही मान हो, जैसे 3.999 लिखेंगे तब भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो महत्वपूर्ण